आपने अक्सर देखा होगा कि जो गोल्फ बॉल होती है उसके ऊपर छोटे छोटे कई तरह के होल होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये होल्स क्यों होते हैं, और कई लोगों का मानना यह है कि ये होल्स सिर्फ डिजाइन के लिए बनाए गए हैं और बॉल को अच्छी लुक देने के लिए बनाए गए होते हैं। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। जब गोल्फर बॉल को स्ट्राइक करते हैं उसकी स्पीड लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हवा में बहुत सारा ड्रैग बनता है, और ये ड्रैग फ्रिक्शन की वजह से और ज्यादा हो जाता है जब बॉल हवा में ऊपर जाती है, और जिसकी वजह से बॉल की स्पीड जो है बहुत कम हो जाती है। बॉल की सतह के ऊपर ये छोटे छोटे होल होने की वजह से ड्रैग कम होता है और बॉल को एक सीधी डायरेक्शन मिलती है, जिसकी वजह से बॉल इधर उधर नहीं जाती और सीधा अपने टारगेट पर ही हिट करती है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें।